What season of Big Boss? लोनी आपका की वीडियो है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सुबह 9 बजे बिग बॉस के चौथे पांचवें छठवें वीडियो में आपका स्वागत है गाइस। मेरे को बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि बिग बॉस पे लगातार वीडियो बनाओ, रोज वीडियो बनाओ, रोज तो मैं वीडियो बना दूं। नहीं सॉरी नहीं बनती, निकल गया मुंह से। रोज कैसे बनाऊंगी मैं, मेरे को पता भी तो होना चाहिए बिग बॉस चल क्या रहा है। भाई मेरे को घर के भी काम होते हैं कितने सारे, मैं सिर्फ वीडियो नहीं बनाती हूँ, बहुत घरेलू लड़की है हम। तो मेरे को बिग बॉस के बारे में आप लोग बताया करो मेरे इंस्टा पे जाकर, इंस्टा का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, मेरे को टेक्स्ट किया करो बिग बॉस में क्या चल रहा है, या फिर वीडियोस भेजा करो तो वीडियोस ज्यादा जल्दी आया करेंगे। कटा दिया 5 मिनट हो तो चल रहा है। दीपक सर को बोले क्या करने के लिए? दीपक सर को बोलेंगे, अच्छा वो जो मोटे वाले हैं उनका नाम है ना दीपक सर, वो व्हील चेयर पे नहीं बैठे रहते दीपक सर वाचिंग दिस। मेरे को तो अब उल्टा अच्छा लग रहा है विशाल के लिए, उसके साथ जो ये अरमान वाला सीन हुआ ना उसके बाद लोग उस पे ज्यादा ध्यान देंगे। अरमान ने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है, मैं बहुत सारे रील्स देख रही हूँ, मेरे को लग रहा है कि विशाल बहुत अच्छा खेल रहा है, बोल रहा है, लड़ाई कर रहा है, इमोशनल हो चुका वो, मतलब उसका एक जर्नी दिख रहा है बिग बॉस में। मतलब सब मुझे प्लीज मुझे मेरे घर भेज दीजिए, जाइए जाइए। कौन है? रणवीर सर ही बोल रहे हैं जाइए। जब बेइज्जती है ये एक मौका नहीं छोड़ते हैं। नहीं रहूंगी, प्लीज हमें घर भेज दो, हमारा घर हमें बहुत अच्छा लगता है, ये बड़ी बड़ी चीजें मैं देखती थी सपने में लेकिन बिल्कुल अच्छी नहीं है, मैं मेरी झोपड़ी मुझे अच्छी लगती है, प्लीज मुझे वहाँ भेज दो, ये बड़े बड़े लोग अंग्रेजी। भाई शिवानी इतनी चतुर है वे, इतनी मेरे को लगता है कि मेरे को इससे क्लासेस लेने चाहिए या किसी को भी इससे सीखना चाहिए कैसे अपना बना के रखना। भाई बहुत लोगों का फाइनेंशियल कंडीशन खराब होता है, बड़ा पाव वाली का ही देख लो, लेकिन फिर भी आके वो अपने पति को हेलमेट नहीं दिला पा रही है 1000-1200 का, लेकिन फिर भी आके उसने पहले दिन ये फेंका था मैं तो 40-40 हजार रुपए कमा रही हूँ रोज के, इतना पैसा है कि खत्म ही नहीं हो रहा, आज ही मैं 25 करोड़ रुपए लेके निकला था मार्केट में। इसके बड़े मीम जिनके पास कम है वो ज्यादा बताते हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा मुझे अपनी झोपड़ी ही प्यारी है। सब मुझे बदतमीज बोलते हैं, सब इसको बदतमीज क्यों बोल रहे हैं यार, मैंने एक बार भी नहीं बोला, ये बेहुदा है एक नंबर की। भाई मेरे को शिवानी के फैंस आके शिवानी के फैंस है, मतलब ठीक है नहीं मैं रिस्पेक्ट कर, मैं मजाक में बोल रही हूँ अभी, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ कि शिवानी ने ये सब अर्न किया, लड़की होके बहुत अच्छा उसने अपना नाम बनाया है, अपने घर वालों को अच्छा लाइफ दे रही है वगैरह वगैरह, लेकिन इसकी जिंदगी उतनी खराब नहीं है जितना ये बता के सिंपथी ले रही है। बात तो सही है, वो कटारिया एल्विस का चेला है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार, मुझे पहले लगता था ये बहुत कम लोगों ने ये नोटिस किया होगा, सोचते होंगे दोस्त दोस्त वगैरह वगैरह, पूरी दुनिया की आंखें बंद होंगी, सिर्फ मेरी ही खुली है और मैं ही ऐसा मानती हूँ, लेकिन नहीं भाई, विशाल ने भी बोल दिया, नेजी ने भी बोल दिया, बहुत लोगों ने बोल दिया है, एजाज खान तक, मतलब इतना मंद बुद्ध आदमी भी अगर ये बोल रहा है कि कटारिया एल्विस का चेला है, मतलब समझ जाओ तुम, हम लोग जिस फील्ड में है ना उस फील्ड में सब उस एल्विस का मैनेजर ही मानते हैं। एल्विस के साथ घूम घूम के फोटो ले लेके कुछ 1-2 मिलियन फॉलोवर उसके हो गए, जैसे वो मुनव्वर अपना है, मुनव्वर के साथ वो शौकत है, क्या नाम है उसका, शमसुल्ला सदाकत, मुनव्वर के दोस्त को देखो तो वो लोग दोस्त दोस्त जैसे लग रहे हैं देखने में फोटोज में भी, ठीक है। एल्विश के साथ जब भी कटारिया खड़ा होता है तुम ये कार के पास वाली फोटो देखो, ऐसा लग रहा है कटारिया अभी अभी गाड़ी साफ करके खड़ा हुआ है, बोला मालिक एक फोटो, मालिक एक फोटो, बोला होगा मालिक एक फोटो, अरे एल्विस ने बोला होगा चल ले ले। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ ड्राइवर्स फेमस नहीं हो सकते हैं, बॉडीगार्ड्स फेमस नहीं, सलमान भाई का शेरा फेमस नहीं है। ताड़ी बजाओ भाई, पानी कम फ्री हो मेरे से, ये क्या कर रही है भाई, ताड़ी बजाओ, हाथों मतलब कम फ्री हो मेरे से, तुम तो बोलो मान, नेजी ऐसे बात कर मार दूंगा यहीं पे, कैमरा लगा है इसलिए वही रोक रहा है बस मेरे को, कम फ्री हो मेरे से, तू मत बैठ यहाँ पर, हम बैठे थे पहले, हाँ तो हम भी बैठे हैं अभी, तो अभी बैठे तो हमने ऐसे भैया करके नहीं देख, फिर हाथ लगा रही, हाथ मत लगा, का होता मुंह से बात कर, देख हाथ मत लगा शिवानी, का होगा का होगा का हो जा, अच्छा नहीं लगता मेरे को कोई टच करे तो, अच्छा ये कहो कि अच्छा नहीं लगता, शुरू से क्या कौन से भाषा में बोल रहे हो, कम फ्री हो अगर कोई बोल दे मत छू मेरे को, तो इससे समझ में नहीं आता कि उसको अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं नहीं तुम साफ बोलो, तो इसीलिए तो लोग बोल दे रहे हैं कि बदतमीज बेशरम बेहया बेहुदा हो, तुम साफ बोल दे रहे हैं तो भी बुरा लग जा रहा है, अरे हर एक चीज में ये देहात है, नहीं कपड़े हमको ढंग से पहनने हैं, तुम बिकनी पहन लेती हो, तुम टंगड़ी दिखा लेती हो वगैरह वगैरह वाले क्वेश्चंस कर रही है ये अपने आप को दिखाने के लिए। भाई मैं तो बहुत संस्कारी हूँ लेकिन लड़कों के साथ बैठने में इसको संस्कार याद नहीं आ रहा, लड़कों को छूने में हंसी मजाक में इसको संस्कार नहीं याद आ
रहे हैं। बढ़िया भाई, किधर से पकड़ रही है कुछ। ये शिवानी दीदी है क्या? टैंक टॉप में शिवानी दीदी है? बिना मतलब स्लीव्स के स्लीवलेस टॉप। गांव वाले कुछ बोलते नहीं है? तुम्हारे संस्कार किधर गए दीदी? जीन्स, टाइट जीन्स और एकदम स्ट्रैपलेस टॉप। भाई मैं कब पहनी थी स्ट्रैपलेस टॉप लास्ट? मैंने शायद स्ट्रैपलेस टॉप अभी से 2 साल पहले पहना था, वो भी एक सूट में स्ट्रैपलेस था, स्ट्रैप था, इससे मोटा स्ट्रैप था, इधर तक था। मैं ही एक्टिंग कर सकती हूँ यार संस्कारी संस्कारी होने का। ठुमके मार रही है, अच्छा है, जीन्स पहन रही है ये, अच्छा है, बाल खुले, स्ट्रैपलेस, डिजाइन मार रही है ये करे तो ठीक भाई। फिर लोग बोलते हैं कि तुम इसके पीछे क्यों पड़ गई हो। भाई मेरे को फेक लोगों से नफरत है, नफरत। मैंने बाहर भी देखा इनको, जब एलिश में मुसीबत आई थी ना, सारे ढूंढने से भी नहीं मिले थे ये। ये बात सही है। एल्विस जब जेल में गया था तो मैं रुकी थी कि मतलब कोई कुछ बोलेगा, अभी स्टैंड लेगा। इसके दोस्तों में से इतनी अच्छी यारी दोस्ती है, बट किसी का कुछ नहीं आया था, मतलब मेरे को तो नहीं दिखा था। हो सकता है डाले हो, बट मैंने तो नहीं देखा था देख। किसी ने कुछ ट्वीट करा हो कि ये गलत हो रहा है या कुछ वीडियो बना के डाला हो। दूर तक सर्चिंग में भी नहीं थे। उसका बड़प्पन है जो इनको साथ रखता है। सही बात है। अरमान कितना चतुर है बे, बड़प्पन है जो इसको साथ रखता है। अरमान अलग ही गेम प्ले कर रहा है। अरमान सोच रहा है की एल्विश का फैन बेस तो मिल जाए मुझे, और मैं कटारिया को बुरा बुरा भी बोलता रहूं कि मैं बाहर वाले से नाराज होकर उसे घर के अंदर रहने ही ना दूं। हां लकेश, आप बतौर बाहर वाला फायर तो होते ही हैं, लेकिन साथ ही मैं आपको इस घर में रहने का अधिकार भी आपसे छीनता हूं। भाई विशाल अभी कितना ये सॉफ्टी है, ये इसको अभी भी बुरा लग रहा है कटारिया के एविक्शन वगैरह का न्यूज सुन के। ऐसे ऐसे परेशान होके ऐसा अपना फेस टच कर रहा है, और उल्टा विशाल अगर जाता ना तो कटारिया बोलता अच्छा हुआ गया, नहीं नहीं उससे बहुत गलत करा था, मैंने तो स्टैंड लिया वगैरह। भाई ये खूब चौड़ा बनता था। और विशाल पता नहीं क्यों कटारिया का इतना फिक्र करता है। ये वाला मैंने देखा मुझे पागल समझते हैं। उनको लगता है मेरा मेंटल इशू है कुछ। इवन माय घर वाले, माय मॉम डैड आर नॉट रेडी टू बिलीव मी। दे आर लाइक यू टेक मेडिसिन यू शुड गो। नेजी ने खुद ही बोला था मैं खुल के हंस नहीं सकता, खुल के रो नहीं सकता, लेकिन आज तो खोल सकते हैं ना नेजी भाई, आज तो ऐसे कर लो कम से कम। भाई हमेशा ऐसे रहता है, हमेशा ऐसा लगता है कैमराज ऑफ होते तो ये 2400 घंटा सो ही रहा होता। असल में क्या है, कटारिया को एक्सपीरियंस मिला एल्विश का, एल्विश के अप्रोच से तो आया यहाँ पे। अच्छा, और नहीं तो ये कौन से यूट्यूबर में गिनती ऐसी बता। बोल तो सही रहा है अरमान। हाँ तो देखो कटारिया घूम तो रहा है बॉडीगार्ड्स के साथ। अच्छा कटारिया गाड़ी साफ करने के अलावा ये भी करता है। ये कटारिया के फैंस है सही में, कटारिया के फैंस है कि ये लोग ये सोच के आते हैं कि कटारिया रहे तो एल्विस भाई तो आ ही रहे होंगे। मतलब मेरे को सच में नहीं पता कटारिया क्या करता है, उसके क्यों फैंस है। और अरमान को भी लेकिन मानना पड़ेगा, उसके पास दो ही टॉपिक्स है, एक तो औरतें और दूसरा कटारिया। वो हमेशा कटारिया एल्विस कटारिया एल्विस कटारिया एल्विस ही करता रह रहा है। मैं तो भाई इनके वीडियोस वगैरह देखी नहीं हूँ कभी भी, लेकिन मैं 2000% श्योर हूँ कि कटारिया ने जो ऐसे फोन लेके ऐसे भीड़ दिखाई है ना, उसके पीछे एल्विस खड़ा होगा। मार खाई है और उनको नहीं निकाला है। बिग बॉस कभी अन्याय नहीं करता। बिग बॉस जज है क्या कहीं के? बॉस का तराजू सबके लिए एक समान है। उस लड़के ने सिर्फ यही बोला ना कि भाभी सुंदर है, तो सुंदर है तो है, अच्छी है तो है, ये तो नहीं बोला काली कलूटी गंदी, दूसरों का पति चोर है, दूसरे के पति चुराने वाली है, ये तो नहीं बोला ना। अरे हाँ लेकिन मेरे को भी ये चीज समझ में नहीं आई, उसने तारीफ ही किया है ना। अगर सही बात कर तारीफ किया बिग बॉस में तो झगड़े तो होते हैं, वर्बली कितनी भी लड़ सकते हो, यू अंडरस्टैंड, वर्बली आप कितना भी लड़ सकते हो। ताज पहन के भाई राखी सावंत इज ऑलवेज एक्स्ट्रा, ताज पहन के बिग बॉस में ये टिकटॉक पे लाइव होती है। ये गधा, मैं देखा एक नंबर का गधा, ये अरमान मलिक, उसने जाके उस लड़के को थप्पड़ मारा। बिग बॉस आपने कैसे देख लिया, इसके पिछवाड़े में लात मार के इसको तुरंत निकाल देना चाहिए था नल्ले मलिक को। मेरे को सच में समझ में नहीं आया कि क्यों अरमान को, अरमान के वजह से ही सबसे ज्यादा टीआरपी इस सीजन आ रही है, ये तो मैं मानती हूँ। और ये मैंने स्टार्ट वाले वीडियो में ही बोल दिया था कि अरमान के वजह से ही लोग देखेंगे इस बार, भले इसको गरियाएंगे लेकिन देखेंगे भी उसके वजह से। अरमान जब उसको मार दिया तो उसको निकालना चाहिए ना, वरना बिग बॉस का रेपुटेशन पानी में मिलेगा। अभी देखो जो लोग एक्स कंटेस्टेंट्स रह चुके हैं वो लोग बोल रहे हैं, पिछली बार अभिषेक ने भी समझ को जब मारा था तो अभिषेक को
निकाल दिए थे, फिर भले वो वापस आया था लेकिन निकाले तो थे ना कम से कम। सर मेरे हिसाब से तो मेरे ग्रुप में वैसे तो कोई कलंक नहीं है, जैसे इसने जो कमेंट बोला था उस बेसिस पे विशाली का ही नाम लूंगा मैं आपको अभी के अभी इस घर से बेघर करता हूँ। गार्डन एरिया में एक चक्की रखी है और अगर बिग बॉस के अगले आदेश पर वो चक्की घूमती रहती है तो लवकेश को घर में रहना चाहिए या नहीं ये फैसला मैं दर्शकों पर छोड़ दूंगा। विशाल कितना काइंड है यार, और नहीं तो मैं वहीं पे खड़ी रह के जो चक्की हाथ लगाने आप उसको एक झापड़ मार के मैं निकल जाती भले, लेकिन चक्की नहीं चलाने देती मैं। कटारिया हद से ज्यादा दोगला है भाई, मेरे को इतना बुरा लगा था अरमान के साइड खड़े होके और फिर बोल रहा है कि तूने मेरे कान में ये बोली थी। भाई एक तो उसने अनिल कपूर के सामने भी डिफेंड नहीं किया और यहाँ भी जब विशाल मार खा गया तब वो अरमान को लेके साइड हट रहा है और बाद में भी वो विशाल को ही समझा रहे कि नहीं तेरे को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, ये नहीं बोलना चाहिए था, कम से कम उसको डिफेंड तो कर देते कि वो सच में वैसे नहीं बोला था। अपने आप को सिर्फ सही दिखाने के लिए इसने ये किया। मच्छर काटने दे तू मत। मैंने ऐसे ही तो किया था कि भाई को लगे। अबे शिवानी को क्रश हो गया है क्या निजी पे, हमेशा छुआछाई करती रह रही है। ना डेंगू ना हो जाए। नहीं डेंगू होएगा चलेगा, तेरा हाथ नहीं लगना चाहिए। अगर नेजी सोए ना, अगर नेजी ऐसी बातें ज्यादा करे तो नेजी को फाइनलिस्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके पास था ये पावर थी, आपने एक मिनट में पोलमी को भेज दिया क्यों? क्योंकि मुझे लगता है मुनीषा जी ज्यादा डिजर्विंग है, मुनीषा जी का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है घर में, उनका अप्रिसिएशन में मैंने उनको बचाया और पोलमी ज्यादा कॉन्फिडेंट थी इसलिए मैंने पोलमी को मैं मतलब पकड़ा गया। ये खबर छपवा दो अखबार में। अरमान कितना ही हरामी हो लेकिन चाल चाल के भाई सही में। सर मेरा पहला नाम होंगी कृतिका भाभी। प्लीज भाभी मत बोलिए, मैं आपकी कोई रिश्तेदार नहीं हूं। ओके जो मैं को बोलना है वो प्लीज आप मुझे भाभी मत बोलिए। मेरा ये रीजन है कि उनके पास अपना बहुत अच्छा माइंड है और बहुत शार्पली गेम खेल सकती हैं। बट वो विशाल पिघल तो गया। नहीं भाई वो दिल का बहुत अच्छा है इसीलिए वो अभी भी इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी कृतिका को कुछ गड़बड़ नहीं बोल रहा है, जबकि कृतिका बहुत हरामी है भाई। अगर अरमान नहीं होता मैं तुमको लिख के दे रही हूँ, अगर अरमान निकल जाए अभी से भी तो कृतिका विशाल के साथ ही चिपकी रहेगी और बाकी सारे लड़कों को भाव देगी। वो अभी सिर्फ अरमान है ना घर में इसीलिए वो भी बच बचा के नहीं मैं तो बहुत अच्छी हूँ वगैरह वाला एक्टिंग कर रही है। मैं खुद चली जाऊंगी, हर बात पे जवाब दे रही। वो बोल रहा है बस प्लीज, मतलब कोई अच्छे से बात भी ना करे हर बात पे जवाब दे रही है। उल्टा ऐसे करेगी तो यही जल्दी निकल जाएगी। और कृतिका लेकिन सही भी बोल रही है, उसको भाभी नहीं बोलना चाहिए, बोलना चाहिए था अरमान वाले की दूसरी औरत इधर आ तब जाके उसको अच्छा लगता। अच्छे से बात इनको कहां अच्छी लग रही है। एनीवे गाइस इस वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट सेक्शन में बताओ नया पार्ट लाओ, लिख के कमेंट करो तो नया पार्ट लाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इंस्टा का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके फॉलो कर लो एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। बाय। अच्छा था ना, हर एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हर कोई अपनी गेम खेलेगा, जिसका जिस तरह का माइंड होगा वो वैसी गेम खेलेगा, तो मैटर ही नहीं करता कौन क्या कह रहा है। तो ठीक है, बिग बॉस है, बिग बॉस में ऐसे ही चलता है, सीजन खत्म बातें खत्म। एक एपिसोड में कुछ होता है, दो दिन चलता है, तीसरे दिन इसका पता भी नहीं होता ये बात हुई है, तो गेम ही ऐसे चलती है। तो मिलते हैं फिर, बाय बाय।